नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा। जो आज का जो खास टॉपिक है वो है माइक्रो नीडलिंग, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो माइक्रो नीडलिंग होता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ये चीज़ होती क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे हमारे स्किन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस खास टॉपिक पर जानकारी लेने के लिए अभी जो है नेशनल खबर की टीम वैशाली में मौजूद है, लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और मेरे साथ जो है डर्मेटोलॉजिस्ट पूर्णिमा चौबे जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर पूर्णिमा चौबे, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन, लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक से एसोसिएटेड हूँ। हाँ, ग्रेट। तो सबसे पहला सवाल यही है, व्हाट इज माइक्रो नीडलिंग? सो माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर है जिसमें मल्टीपल नीडल्स होते हैं और एक साथ एक हम कंट्रोल्ड वे में स्किन को पंचर करते हैं और उससे इन्हेंस करते हैं इलास्टिन और कोलेजन फॉर्मेशन का। तो ये इन्हेंस होता है, स्किन ही कोलेजन और इलास्टिन फॉर्म करता है, जिससे हम इलास्टिसिटी बढ़ती है, स्किन में टाइटनेस होता है, फेशियल रिजुविनेशन ओवरऑल इसमें माइक्रो नीडलिंग हेल्प करता है। और मैंने एक शब्द कहा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी भी होती है, तो माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी में कोई डिफरेंस? यस। सो माइक्रो नीडलिंग मैंने आपको बताया कंट्रोल वे है, रप्चर स्किन को डैमेज करते हैं, मतलब डैमेज इन द सेंस कि स्किन को अपग्रेड करते हैं माइक्रो नीडल के थ्रू। लेकिन इसमें अगर LED लाइट जुड़ गया और उसमें LED लाइट पे रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है और वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जो हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो स्किन को जो हम लोग रप्चर किए हैं उसमें साथ में LED लाइट दिया और वो थर्मल एनर्जी डेवलप करता है और वो बाकी अंदर जाके ज़्यादा ऊपर हार्म ना करके अंदर जाके वो स्किन को और हीट के प्रोडक्शन से इलास्टिन ज़्यादा और मोर कोलेजन फॉर्म करेगा। तो इट्स अ बेटर वर्जन देन जस्ट माइक्रो नीडलिंग, यू गो फॉर द रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट कह सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट स्किन पर देखने के लिए मिलता है? देखिए क्या होगा कि अगर एक हमें नहीं पता कि किस तरीके से करना है, कितना डीप जाना है, बिकॉज इसमें डेप्थ का बहुत मैटर करता है, कितना डीप है। कभी कभी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा इसका डिफेक्ट तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं, और डीप हम कर दें हाइपर पिगमेंटेशन भी कॉज कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गो टू अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वो आपका सही तरीके से करेंगे। तो हाँ, इसके लिए किलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है, वो उन लोगों में नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो पहले से कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स इन द सेंस की मेडिसिन जो लेते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी वो लेते हैं, तो उन लोगों में अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, और जैसे कि ये स्किन के लिए बेसिकली, तो स्किन जो है एक बार में तो ट्रीट होती नहीं है, तो कितने बार उसको करवाना पड़ेगा, कितनी सेटिंग्स लेनी होंगी अगर चाहिए? एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन। द थिंग इज दैट कि एक बार में आप अगर आते हो तो यू कैन सी वेरी गुड रिजल्ट, एक बार में भी इसका रिजल्ट है, लेकिन बिकॉज यू टू गेट गुड रिजल्ट एंड रीसर्फेसिंग बेसिकली करता है ये, अगर एक्ने स्कार है तो एक्ने स्कार के लिए भी यूज़ होता है ये, और अगर टाइप ऑफ स्कार है तो उसके लिए भी, ट्रोमेटिक स्कार है उसके लिए भी हेल्पफुल है। अगर ट्रोमेटिक स्कार या एक्ने स्कार है तो उसमें ये कर सकते हैं कि ये हम लोग मल्टीपल सिटिंग्स रिक्वायर्ड होगी एंड दैट अ डॉक्टर विल टेल कि कितनी सिटिंग्स रिक्वायर हैं। सो मिनिमम आप जैसे बताया कि वन सिटिंग इज नेसेसरी एंड देन बिकॉज यू गेट गुड रिजल्ट, उसके बाद वी कैन गो फॉर 3-4 to 6 सेटिंग्स एट लीस्ट, एंड 4 to 6 सेटिंग्स होंगे विच शुड बी कि 4 हफ्ते से 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए। वैसे नीडलिंग का नाम सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा दिमाग में पेन क्रिएट होता है, एक बार के लिए पेन क्रिएट ज़रूर होगा कि नीडल है चीज़ें, तो क्या ये सच में इतना पेनफुल होता है अगर कोई कराए? देखिए अब क्योंकि जब माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर स्टेराइल प्रिकॉशन लेते हैं और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को पेन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेन ना होने के लिए हम टॉपिकल एनेस्थीशिया लगाते हैं, तो लगा के जिसका डाउन टाइम है अराउंड 40 to 50 मिनट्स हम लोग पेशेंट के लिए रखेंगे कि उनको टॉपिकल एनेस्थीशिया करके नम कर देते हैं वो एरिया। उसके बाद भी डू इट, और इतना भी डीप नहीं होता है कि वो इतना पेन कॉज कर, उसके बाद इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट और हमारे लिए भी आसान हो जाता है करना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो माइक्रो नीडलिंग है और रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये स्किन पे काम कैसे करती है? स्किन में जब आप अप्लाई करते चीज़ों को वो काम कैसे करना शुरू करती है? सी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट इज़ माइक्रो नीडलिंग, मल्टीपल पंक्चर, कंट्रोल्ड मल्टीपल पंक्चर, ओके, कंट्रोल वे में। तो स्किन हमारी स्किन ही इलास्टिन और कोलेजन फॉर्म करती है, राइट?
तो जब हमारा स्किन को डैमेज है तो देयर इज अ सिग्नल, द सिग्नल गोज कि आपको इलास्टिन और कोलेजन फॉर्म करना है. जब इलास्टिन और कोलेजन स्किन खुद फॉर्म करती है तो उससे एक स्किन की रिसर्फेसिंग प्रॉपर तरीके से होगी. अगर स्कार है कोई एक स्कार का है तो विच इज़ नॉट प्रॉपर, स्किन ठीक से रिसर्फेस नहीं है, सर्फेसिंग नहीं है ठीक से, तो हम उसे अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड कॉज करके वहाँ से इलास्टिन और कोलेजन जब प्रॉपर तरीके से फॉर्म होगा तो सर्फेसिंग बेटर होगा, और सर्फेसिंग अच्छे तरीके से होगा तो ये स्किन रिजुविनेशन और प्रॉपर तरीके से सारे जो बेटर लगेगा फिर स्किन. अच्छा, और माइक्रो नीडलिंग कराने के बाद क्या चीज़ें करनी होती है स्किन को? कैसे देखिए क्या होता है कि क्योंकि ऑब्वियसली वी आर पंक्चरिंग द स्किन, सो ये इन्फेक्शन का डर होता है. एंड बट बिकॉज यू आर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो इससे ये इफेक्ट होगा कि दे विल डू इट अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन. तो एसेप्टिक कंडीशन में जब वो करेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो. उसके लिए वो आपको पहले से कोई मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. कभी कभी इडिमा स्वेलिंग भी होती है, उसको कंट्रोल दे टेक केयर ऑफ इट कि वो उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, दे नो इट एंड दे विल डू इट. ओके, थैंक यू सो मच पूर्णिमा इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए. थैंक यू. तो ये जो है माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, आपका जो सवाल था उसका जवाब आज आपको मिल चुका होगा. तो इस तरीके के और ख़ास इंटरव्यूज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं.